ये रिमोट कंट्रोल किसी टीवी एलसीडी या एसी का नहीं बल्कि इस डब्ल्यूसी का है

बिजली तो हमारे मुल्क में पहले बड़ी महंगी हो गई है बॉडी वॉशर के साथ साथ आपको ड्राइंग की ऑप्शन भी दी गई है कि आप अपनी बॉडी को सुखा भी सकते हैं और उसके ऊपर भी है कि आप कितने कितनेचर पे अपनी बॉडी को वार्म करना चाहते हैं वेट से समझ लीजिए इसकी लैंड क्रूजर है अच्छा। आप बैठे जिस इंसान की उसकी हाइट के हिसाब से उनका वेट के पोजिशन एडजस्टमेंट करेगा वॉशरूम का लैंड क्रूजरूम का ये लैंड क्रूजर है सबसे अहम सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूंगा इसकी कीमत क्या है हर बंदे की पहुंच में आए क्योंकि चाइना वालों का ये कमोड है असल जी पब्लिक डिजिटल के साथ मैं मूँ फैजान चौधरी मेरे हाथ में ये मोबाइल नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल है और ये रिमोट कंट्रोल किसी टी वी एल सी डी या ए सी का नहीं बल्कि इस डब्ल्यू सी का है आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक डब्ल्यू सी है जिसे आम लफ्ज़ों में कमोड़ बोला जाता है तो उमैर भाई मेरे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है जी असल वाईक सर ये ऑटोमेटिक कमोड है चाइना वालों ने एक बनाया है जो फुली इसका कंट्रोल है सेंसर के साथ सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी जी बिल्कुल ए टू जी ऑटोमेटिक इसका होगा अच्छा अगर मैं इसके रिमोट की बात करूं तो इसमें ये काफ़ी ज्यादा फंक्शन वो नजर आ रहे हैं तो वन बाय वन करके अपने आवाम को बताते चलते हैं कि इसमें आखिर फंक्शन क्या क्या है इसका सर ये बेसिकली ये है कि आपका सबसे पहले इसका सीट कवर इसका ऑन ऑफ करें आप इस रिमोट से।, से आप इसका ऑन ऑफ करें ठीक है उसके बाद ये है कि आप जब इस पर बैठेंगे तो टोटली इसका जो सीट कवर है उसका ये बेनिफिट है कि सर्दियों में ये गर्म और गर्मियों में ये ठंडा करने वाला है अच्छा ये स्पेशली बुजुर्गों या डिसेबल लोगों जिनके घरों में रहती है उनके लिए बड़ा सूटेबल है मतलब इस रिमोट के अंदर मैं अगर, अगर अपने आवाम को दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हैं कि ख़ाली सीट कवर और टर्न ओवर ओपनिंग के अलावा इसके अंदर हर वो चीज़ है जो एक डब्ल्यू सी या एक मोड में होनी चाहिए मतलब अगर आप इसको रिमोट को ही सिर्फ यूज़ करके तो आप अपनी बॉडी को भी वॉश कर सकते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फंक्शन भी अवेलेबल है अच्छा इसके अलावा और क्या चीज़ है मतलब ठंडा गर्म वाली क्या फ़िलोसफी है ये फिलोसफी ये है कि ये आप सर्दियाँ जब आती हैं तो बंदा डर जाता है यार ज़्यादा सर्दी है जिसकी वजह से बंदा बैठना मुश्किल होती है।, है ये इसमें चाइना ने एक ऐसा फंक्शन दिया है कि इसके अंदर हीट है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें थर्टी सेवन डिग्री में चला गया जो ये फोर्टी डिग्री में हो जाएगा तो ये सीट कवर ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा और ये हम अपने रिमोट से सेट से कर सकते हाँ इसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं थर्टी थर्टी फाइव टू फोर्टी अपने बॉडी के हिसाब से ज़रा चेक करता आप मतलब वैसे तो फील नहीं कर सकते लेकिन मैं इधर देख के बता सकता हूँ कि ये आम टेम्परेचर जो इस वक्त रूम का है उससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हीट अप है तो इसको हम सर्दियों में तो गर्म हो गया गर्मियों में ठंडा भी कर सकते हैं ये ऑब्वियसली जो ठंडा हो सकता है इसके लिए गर्मियों में ये ठंडा भी कर सकता है ये अगर एक आम आदमी ने लेना हो तो वो इसको इंस्टॉल कैसे करवाएगा मतलब अपने वाशरूम में किस तरह से लगवाएगा ये कोई टेक्निकल नहीं है जो लगाने वाले हैं ना ये सैनिटरी के जो प्लम्बर्स होते हैं वो थोड़ा इसकी कैटलॉग होती है वो बंदा थोड़ा पढ़ के तो ईजिली बंदा इंस्टॉल कर सकता है विद इन वन टू आवर्स में इसका इंस्टॉलेशन हो सकती है और इसमें पानी की इन और आउट का क्या सीन होता है इसका ये है कि दस से पंद्रह लीटर इसका कंज्यूम करता है पानी एट ए टाइम बस थोड़ा सा इसका ये है कि आप पानी का अगर आपका पीछे प्रेशर ठीक है तो ये सबसे सूटेबल है तो इसके साथ हमें वो मुस्लिम शावर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ कोई मुस्लिम शावर की जरूरत नहीं है जो सबसे बेनिफिट चाइना वालों ने चीज़ बनाई है विदाउट ये मुस्लिम शावर है कि मुस्लिम शावर के बिना भी आप सब कुछ कर सकते हैं इसलिए है। ये टाइमर जो एल है जिसके ऊपर ये टेम्परेचर शो कर रहा है अगर पानी गिरे तो ये खराब नहीं होगी नहीं नहीं ये इलेक्ट्रिक और वाटर है ये इसको हमने करंट सप्लाई भी करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि बंदा इसके ऊपर बैठा हो बैठे रह जाए नहीं नहीं चाइना हमेशा प्रोडक्ट वो बनाती है चीज़ दे के बनाती है अगर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक में उस क्वालिटी वो ऐसी डाल देती है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में या मिडिल ईस्ट में नहीं है ये हर कंट्री में इसका सामान जाता है ये चीज़ें जाती है प्रोडक्ट्स तो चीज़ को देख के मद्देनजर करके ये चीज़ें बनाती है इलेक्ट्रिक चीज़ें चाइना के बारे में ये भी कहा जाता है कि ना चले शाम तक चले तो चांद तक ये बेसिकली सैक्य हो चाहिए लोगों की पाकिस्तान में चाइना के सामान कुछ ज़्यादा आने के बावजूद लोग कहते हैं यार ये चाइना का है इसको छोड़ दें हालांकि चाइना हर चीज बना रही है कि इसका पानी इनलेट का जो कहाँ पे कनेक्शन कहाँ पे आएगा इसका ताकि आवाम हमारी जो वीडियो देख रही है उनको देख के भी पता चल सके कि अगर वो घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी इनलेट कहाँ से होगी आउटलेट कहाँ से होगी इसका ये इसकी कंसील टेंकी लगती है फुल फ्रेम भी लगती है हाफ फ्रेम भी लगती है।, है उसके साथ ये कनेक्ट होगा पानी का सारा जो उसका सेवर होगा वो सारा अंदर जाएगा कनेक्शन कहाँ पे है इसका कनेक्शन इसके अंदर बैक साइड में लगा होता है, है। तो वो, वो मतलब वो ओपन करके नजर आएगा वैसे अभी इस टाइम नजर नहीं आ सकता आ, वो अंडरग्राउंड होता है वो शो नहीं होता okay. जब आपका वाशरूम तैयार हो जाता है फाइनल टच में तो आपकी कंसील टैंकी लगती है उसके साथ ये कनेक्ट किया जाता है तो पानी का वहाँ से इसकी होती है ये ड्राई टेम्परेचर नजर आ रहा है तो ये क्या चीज है इसका ये है कि ड्राई टेम्परेचर ये है कि जब आप इजीली बंदा बैठता है ना, वो उस, उसी विदिन आपका ये कर मैं ये देख सकता हूँ कि बॉडी वॉशर के साथ साथ आपको ड्राइंग की ऑप्शन भी दी गई है कि आप अपनी बॉडी को सुखा भी सकते हैं और उसके ऊपर टेम्परेचर भी है कि आप कितने टेम्परेचर पे अपनी बॉडी को वार्म करना चाहते हैं वेट से इसके नीचे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से पोजीशन एडजस्टमेंट लिखे गया आप बंदा जब बंदा ये समझ है आप बैठेगे जिस इंसान की उसकी हाइट के हिसाब से उनका वेट के लाभ से पोजीशन एडजस्टमेंट करेगा बैठेगा ये सीट एडजस्टमेंट है बेसिकली कि अगर किसी की हाइट कम है या फॉर एग्जाम्पल तो ऑटोमेटिकली लोअर अप हो जाएगा इसके आगे फ्लश वाटर भी का भी ऑप्शन दिया गया मतलब अब आपको कोई बटन दबाने की डब्ल्यू सी पे जरूरत नहीं है आपने ये बटन प्रेस करना है और ये फ्लश हो जाएगी बिना आप प्रेस की किसी को सिर्फ रिमोट कंट्रोल से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं फ्लच को उसको आप इसको क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक पानी इसका निकल जाएगा बाहर ये नाइट लाइट का क्या फंक्शन है नाइट लाइट ये का फायदा ये है कि रात के टाइम अक्सर आप रोशनी आप नहीं देखना चाहते तो इसकी एक लाइट है जो आप इसकी लगी हुई है इसकी बैक साइड में इसकी फ्रंट से भी लाइट आ रही है इसकी बैक साइड से भी लाइट आ रही है तो इतनी लाइट आपको मिल जाएगी कि आप इजीली बंदा बैठ के कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं जिस तरह इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो बिजली तो हमारे मुल्क में पहले बड़ी महंगी हो गई है ना उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान वालों के लिए एक ऐसी चीज़ इसलिए भेजी है कि इसमें वोल्टेज का बहुत कम है कि वोल्टेज आपकी ज़्यादा नहीं इसकी कंज्यूम करेगी अच्छा जी ये सारी चीज़ें तो मैरबी आपने बता दी है मुझे एक आप बड़ी जो यूनिक चीज़ है वो भी मुझे बता रहे थे इसमें वो क्या है उसमें यूनिक सबसे अच्छी चीज़ जो है ना कि वाशरूम हर इंसान को पता नहीं चलता आ जाता है वाशरूम का दरवाजा खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ही इसके करीब आएंगे ना तो इसका हाँ। सीट कवर ओपन हो जाएगा मतलब इमरजेंसी में बटन दबाने की जरूरत नहीं है ये ऑटोमेटिकली कह देता है कि भाई आज तैयार है एग्जैक्टली एमरजेंसी का कोई इसका नहीं है कि आएंगे साथ इसका सेंसर है ना आपको देख के इसका सीट कवर खुल जाएगा तो उमैर भाई सबसे लास्ट में और सबसे अहम सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूंगा इसकी कीमत क्या है इसकी कीमत अभी सरप्राइज है तो अभी आपको हम बता देंगे इसकी कीमत जो भी इसकी है ठीक है तो इन हर बंदे की पहुंच में आ जाएगा इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी वीडियो देख के आएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा एग्जैक्टली exactly, जो भी हमारी ये वीडियो देखेगा वीडियो दिखाएगा उसको स्पेशल मिल जाएगा डिस्काउंट और हर बंदे की पहुँच में आए क्योंकि चाइना वालों का ये है तो नहीं जी उमेर भाई ने आपको बता दिया है कि अगर आप ये लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक डब्ल्यू तो जरूर लें क्योंकि ये अब हर बंदे की पहुँच में आए तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अल्लाफिज